बाबा शिव भी रावण की तरफ से युद्ध करने पहुंच गए थे, पार्वती जी को बता रहे हम भी उनके साथ में थे, रावण महाराज राम के विरुद्ध, अरे बोले हमें युद्ध से क्या लेना देना, हम तो सिर्फ राम जी का दर्शन करने के लिए गए कि जब राम को क्रोध आता है तो राम कैसे दिखते हैं, जब राम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तब वो कैसे दिखते हैं, हम रावण की तरफ से सिर्फ राम का दर्शन करने के लिए युद्ध भूमि में गए। और महाराज दो दो प्रत्युंचा चढ़ती थी, एक धनुष पे प्रत्युंचा और एक प्रभु की आईब्रो की प्रत्युंचा चढ़ती थी, क्या सुंदर लगते थे महाराज, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अंत तो गत्वा खींच सरासन श्रवण लगे छाड़े सर 31। भगवान श्री राम ने 31 बाण उस धनुष पर चढ़ाए और कान तक खींच कर तेज गति से उन बाणों को छोड़ा। 31 बाण किसके लिए? 20 भुजाओं के लिए, 10 सर के लिए और एक नाभि के लिए जिसमें अमृत कुंड है, वहां अग्नि बाण चलाया भगवान ने। और रावण जो है मृत्यु का इंतजार कर रहा है। अब कुछ चीजें रावण की अच्छी हैं, अगर आप कहो तो मैं वो भी बता दूं। बताऊं कि नहीं? राम कथा तो 9 दिन से सुन रहे हो, आज रावण कथा सुन लो, नेक नेक किसी सुनाऊं? राम जी ने कहा लक्ष्मण से, रावण मूर्छित हुए पड़े हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण गए राजनीति सीखने के लिए, प्रणाम किया, सर की तरफ खड़े हो गए। रावण महाराज नहीं बोले, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पर ब्राह्मण है, बोले नहीं। लक्ष्मण बोले, महाराज रावण जो है बड़ा घमंडी है, अभी भी उसका अभिमान चूर नहीं हुआ। क्यों? बोले मैंने प्रणाम किया, बोले ही नहीं। बोले कैसे प्रणाम किया? बोले सर की तरफ खड़े होके। बोले तुम कौन हो? क्षत्रिय। रावण कौन है? ब्राह्मण। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? सर की तरफ खड़े हो गए, शत्रु चाहे जितने भी बड़े रहे हो लेकिन वो ब्राह्मण है, लक्ष्मण जाके प्रणाम करो चरणों की तरफ खड़े होकर। गलती का एहसास हुआ, चरणों की तरफ खड़े हुए प्रणाम किया। रावण महाराज बोले, कहो कैसे पधारे? मार के भी चैन नहीं मिला तुम लोगों को, फिर आ गए? बोले नहीं, मुझे राम जी ने भेजा राजनीति सीखने के लिए। और रावण महाराज, राज तुम्हें करना है कि राम को? गजब है, पहले मारते हो फिर राजनीति सीखते हो, उसके ऊपर भी विचित्र बात, राज कोई और करे, नीति तुम सीखो। राम को राज करना है तो राम को लाओ, राम को राजनीति सिखाएंगे। राम जी आए, राम जी भी चरणों की तरफ खड़े हुए, प्रणाम किया। रावण ने कहा, आप राजनीति सीखना चाहते हो पर राम तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ है कौन? बाली को मारना था, सुग्रीव को मित्र बना लिया। मुझे मारना था, विभीषण को मुझे मरने से पहले ही लंका का राजा बना दिया। तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ होगा दुनिया में कोई? तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। नीति प्रीत परमारथ स्वारथ कौन राम सन जान जधारथ। राम जैसा राजनीतिज्ञ कोई है ही नहीं, पर फिर भी तुम उसे राजनीति सीखना चाहते हो। मैं राम तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओगे? जितने भी नौजवान हैं ध्यान से सुनना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।